आज हम दुनिया का सबसे पुराना खेल आर्चरी सीखेंगे। आर्चरी के खेल में आर्चर्स बोस के द्वारा एरोस को एक दिए गए टारगेट पर शूट करते हैं। लक्ष्य एक ही है, एरोस को टारगेट के सेंटर के सबसे करीब शूट करना। इस खेल में बो, क्विवर, फिंगर टैप, बो स्ट्रिंग, टारगेट, एरो रेस्ट, टारगेट फेस, क्लिकर, साइट और एरोस और कुछ अतिरिक्त उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया में आर्चरी टूर्नामेंट 3 श्रेणियों में होता है, इंडियन ट्रेडिशनल राउंड, रिकर्व इवेंट एंड कंपाउंड इवेंट। रिकर्व में बो को फिंगर से खींचा जाता है, जिसकी दूरी मिनी में 50 मीटर 122 सेंटीमीटर टारगेट फेस, कैडेट 60 मीटर 122 सेंटीमीटर टारगेट फेस, जूनियर और सीनियर 70 मीटर 122 सेंटीमीटर टारगेट फेस इस्तेमाल होता है। कंपाउंड इवेंट्स में मैकेनाइज्ड बो का इस्तेमाल होता है, जिसमें पीप साइट, रिलीजर और लेंथ साइट होता है। इसमें दो कैम होते हैं और केबल होता है, थंब रिलीजर और रिस्ट रिलीजर होता है। मिनी, कैडेट, जूनियर और सीनियर में 50 मीटर मल्टीपल 6 रिंग फेस इस्तेमाल किया जाता है। आर्चरी में 4 वर्ग खास हैं, मिनी, कैडेट, यूथ एंड सीनियर। इंडियन ट्रेडिशनल आर्चरी में लोकल उपकरण यानी भारत में बने हुए बोस का ही इस्तेमाल होता है, जो ज्यादातर लकड़ी या बैम्बू का बना होता है। आर्चरी करने से पहले कुछ बुनियादी नियम जानने जरूरी है। आर्चरी में स्कोरिंग बहुत सिंपल है, जहां भी एरोस टारगेट पर हिट करते हैं उतने पॉइंट्स जोड़े जाते हैं। हाईएस्ट स्कोर 10 पॉइंट्स टारगेट के इनर गोल्ड रिंग के अंदर हिट करने पर मिलता है और लीस्ट स्कोर 1 पॉइंट आउटर वाइट रिंग को हिट करने पर मिलता है। कंपाउंड इवेंट्स में क्यूमुलेटिव स्कोरिंग होती है और रिकर्व और इंडियन राउंड में सेट सिस्टम स्कोरिंग में इंडिविजुअल ओलंपिक राउंड, मिक्स एंड टीम ओलंपिक राउंड होता है। 3 एरोस को शूट करने का अधिकतम समय 2 मिनट है और 6 एरोस का 4 मिनट। अगर एरो या उसका कोई भी हिस्सा 3 मीटर लाइन के अंदर गिरता है तो आर्चर उस एरो को दोबारा शूट कर सकता है। आर्चरी के कुछ नियम हैं, जिनका पालन ना करने पर पेनल्टी का सामना करना पड़ता है। मैच से पहले या उसके दौरान फील्ड या ऑब्स्टेकल्स में किसी तरह की भी छेड़छाड़ पाई गई तो अनुशासनात्मक कार्यवाही हो सकती है। चाहे आप कितने भी अच्छे आर्चर हो, सुरक्षा निर्देश का पालन करना बेहद जरूरी होता है। तीरंदाजी करते वक्त सभी आर्चर्स को एक साथ और एक ही दिशा में शूट करना चाहिए और सबकी बारी खत्म हो जाने पर ही टारगेट के पास जाना चाहिए। एरो को वापस लेते वक्त टारगेट को ध्यान से अप्रोच करना चाहिए। दूसरे के एरोस हटाने से पहले उसकी अनुमति लेनी चाहिए और एरोस को सीधा बाहर निकालना चाहिए, ताकि वो गलती से मुड़ ना जाए। क्यों दोस्तों, क्या आप अच्छे आर्चर बनने के लिए तैयार हैं?